वेलकम टू अब्बूज किचन। आज का रेसिपी होली स्पेशल नमकीन। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रिस्पी नमकीन बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक कप मैदा लिया, 2 चम्मच 30 ml घी लिया, फ्राइंग के लिए ऑयल यूज करूंगी, पानी, 1/2 चम्मच नमक बट टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच मोमरेल व काला जीरा, 1-2 टीस्पून हींग। हींग आप लोग को पसंद नहीं तो स्किप कर सकते हैं। क्रिस्पी बनाने के लिए 2 चम्मच बारीक रवा व सूजी, जो मैदा लिया उसमें बारीक सूजी व रवा क्रिस्पी बनाने के लिए यूज किया, और साथ में जो सारे मसाला ऐड कर देती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और 2 चम्मच जो घी लिया था वो भी ऐड कर देती हूँ, और अच्छी तरह से मैदा में घी को मिक्स कर लेने का, ऐसे मिक्स करते हुए जैसे ब्रेड क्रम जैसे हो जाएगा तब तक ऐसे मिक्स करते जाने का। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया, मायन परफेक्ट हुआ कि नहीं चेक करने के लिए ऐसे मुट्ठी बंधने का, जब भी मुट्ठी बंधेगा तो परफेक्ट हो गया, और ऐसे झूरा हो जाता है तो और 1 चम्मच घी ऐड कर देने का। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और डो बना लूँगी, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज़्यादा कड़क भी नहीं, मीडियम सॉफ्ट डो बना लूँगी। डो बना के रेडी कर लिया, अभी सेट होने के लिए 10 मिनट साइड में छोड़ देती हूँ, बाद में बनाऊंगी। ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। जो आटा को मैं सेट होने के लिए रखा था वो सेट हो गया, अभी और एक बार मल के रेडी कर लेती हूँ। और ये होली स्पेशल बना रहा हूँ तो कलरिंग तो चाहिए, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहले एक में व्हाइट ही रहने दीजिए और दूसरा में रेड फूड कलर ऐड कर देती हूँ। नमकीन के नमकीन भी होगा और कलरिंग भी होगा, तो ये मैं रेड फूड कलर ऐड करके, जब भी आटा गुन रहे थे तभी भी मैं ऐड कर सकते हैं, तो तभी ऐड नहीं किया। कलरिंग जो लोग को नहीं चाहिए तो लोग स्किप कर सकते हैं, बाद में भी ऐसे कलर ऐड करके और अच्छी तरह से मिक्स करके रेड फूड कलर रेड डो बना लेती हूँ। अभी रेड कलर मिक्स करके हो गया, अच्छी तरह से डो में रेड कलर मिक्स कर लिया। अभी जो रेड कलर का डो बनाया वो पहले बेल के रेडी कर लेती हूँ। पहले बड़ा सा एक रोटी का आकार बेल के रेडी कर लेती हूँ। एक बड़ा रोटी का आकार बेल के रेडी किया। अभी जो घर पे नॉर्मली बाउल आता है ना उसमें गोल गोल पूरिया जैसा कट के रेडी कर लेती हूँ। अभी ऐसे पूरी का आकार बेल के रेडी किया, कट के रेडी किया बाउल से, एक्स्ट्रा जो पार्ट है दोबारा बेल के रेडी करूँगी, तो एक एक पार्ट को साइड में रख देती हूँ और एक पार्ट लेके थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ। ऐसे सारे पूरी को और एक बार बेल के रेडी कर लेती हूँ। एक पूरी को 4 पार्ट में डिवाइड करने का, ठीक से नहीं कटेगा तो दोबारा ऐसे कट लेने का, दवा के कटेंगे तो बराबर एक बार में कट जाते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को एक एक करके ऐसे रखते जाने का। 2 पूरी को ऐसे ट्रायंगल रख लेने का और ऐसे दबाते हुए अच्छी तरह से एक साथ लपेट के ऐसे फ्लावर के जैसे बना लेने का, और बीच में ऐसे करके दबाते जाने का, तो अच्छी तरह से सेट भी हो जाएगा।
और बीच में जो एक लाइन हो उसमें कट लगा लेने का। तो दो फ्लावर बन के रेडी हो गया। और फ्लावर का जो पार्टी है ऐसे निकालते जाने का तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। रेड कलर का जो फ्लावर बनाया ऐसे सेम प्रोसेस में सारे फ्लावर को बना के तैयार कर लेती हूँ। ऐसे एक के ऊपर एक ट्राइंगल सारे ऐड कर देने का और बीच में ऐसे दबा के अच्छी तरह से सेट कर देने का। और ऐसे दबाते हुए बीच में ऐसे फोल्ड करते जाने का। जो बीच में ऐसे दबाते हुए जगह हुआ ऐसे कट लगा देने का। और जो फ्लावर है, फ्लावर को जो पापड़ी है ऐसे अंदर से निकाल लेने का। देखिए कितना अच्छा फ्लावर बन के रेडी हो गया। सारे फ्लावर को ऐसे बना के तैयार कर लेती हूँ। सारे पूरी को ऐसे कट के रेडी किया और एक बार दिखा देती हूँ क्योंकि कंफ्यूज रहेगा तो क्लियर कर देती हूँ। और हाँ, एक बात बताना भूल गया था, जो थोड़ा सा पानी बीच में लगा देने का, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो ऑयल में जाके निकल सकते हैं फ्लावर का जो पपड़ी बना रहा है। तो ऐसे करके हाथों में पानी रखने का और थोड़ा सा बीच में एक के ऊपर एक रखते जाने का गैप देके और ऐसे लगाते जाने का और बीच में भी ऐसे लगा देने का। और बहुत ही अच्छी तरह से घुमाते हुए ऐसे दबा दबा के बीच में फोल्ड कर देने का। डिज़ाइन कैसे आ रहे क्लियर करने के लिए और एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा फ्लावर बन के रेडी हो गया। अभी बीच में जिसमें मैं पानी लगाया ऐसे थोड़ा ये कर दिया, अभी नाइफ से कट कर ले गए थे क्यों, कट लगा के ऐसे बैठा देने का और जो फ्लावर का पापड़ी बोलते हैं ना ऐसे निकाल लेने का। तो फ्लावर बहुत ही अच्छा दिखने के लगता है। ऐसे पापड़ी को निकल लेने का, अभी ऐसे सारे बना लेती हूँ फ्लावर्स। सारे फ्लावर्स बना के तैयार कर लिया, चलते हैं फ्राइंग के लिए। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया, अभी जो फ्लावर्स बनाया वो ऐड कर देती हूँ और फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। ज़्यादा हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे तो फ्लावर्स का जो लीव्स है मीन्स पापड़ी है वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा। तो लो फ्लेम में फ्राई करने का। 2 मिनट होने के बाद हॉट ऑयल ऊपर से ऐसे स्प्रेड करते जाने का। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप करूँगी। अच्छी तरह से पलट पलट के फ्लावर फ्राई हो गया। सेम प्रोसेस में सारे फ्लावर को फ्राई कर लेती हूँ। अभी जो व्हाइट डो था उसमें भी थोड़ा ग्रीन फूड कलर मैं ऐड करूँगी और ग्रीन जो लीव्स होता है वो मैं बनाऊंगी। इसके लिए पहले ग्रीन फूड कलर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए ग्रीन कलर ऐड करके डो को अच्छी तरह से मल के रेडी कर लिया। अभी बेल के रेडी कर लेती हूँ। इसमें मॉइन रहता है तो मैदा चिरकने की ज़रूरत नहीं रहता, तो पहले बेल के रेडी कर लेती हूँ। ऐसे लंबा बेल के रेडी किया। अभी छोटा छोटा स्ट्रिप जैसा कट के रेडी करूंगी। आप लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं, मैं पिज्जा कटर से छोटा छोटा स्ट्रिप कट के रेडी कर लेती हूँ। अभी देखिए ऐसे स्ट्रिप कट के रेडी किया।
मैं 20 से 4-5 पीस उठाया और ऐसे दोनों साइड ऐसे किया, और जो बीच का ये है, ज़्यादा बड़ा लिप्स हो जाएगा तो बीच में कट लगा लेती हूँ। देखिए 5 स्टिप उठाया और बीच में एक कट किया, और ऐसे स्टिप को अच्छी तरह से दबाया, और बीच में जो है ऐसे, और इसको भी सेम ऐसे, जो स्टिप कट के रखा उसे हाफ पोर्शन में दो हिस्से में काटा, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टिप ऐसे में एक साथ लिया, और ऐसे दोनों किनारा में ऐसे स्टिक किया, और देखिए बीच में ऐसे करने का तो बहुत ही अच्छा लिप्स बन जाता है अपने आप ही। ऐसे बीच में एक कट लगा लिया, 6 से 8 स्टिप जैसे स्टिप कारीगर ये रहेगा, ऐसे दबा के घुमा देने का, सारे स्टिक एक साथ हो जाए, और बाद में ऐसे, और ये भी इधर भी ऐसे घुमा देने का, और जो स्टिक है ऐसे लिप्स जैसे बन जाएगा। देखिए पहले से ये बना है, ऐसे सारे स्टिक बना के तैयार कर लेती हूँ। ऐसे सारे लिप्स बना लेने का, ऐसे सारे लिप्स बना लिया। अभी चलता है फ्राइंग के लिए। ऑयल गरम हो गया, अब जो फ्लावर मीन्स लिप्स बनाया वो ऐड कर देती हूँ, फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप करूंगी। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप कर दिया, और दूसरी तरफ भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूंगी। लिप्स भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया, प्लेट में निकाल लेती हूँ। सारे लिप्स फ्राई करके रेडी कर लिया। देखिए कितना अच्छा लिप्स फ्राई हो गया। होली स्पेशल नमकीन बनाया फ्लावर शेप में और लिप्स का शेप में, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ऐसे होली में बना के एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।